सब तो वध मैडिकल ट्रीटमेंट किस तरह के जिहड़े ओपन सॉरी किस तरह के जिहड़े ऑपरेशन थिएटर होणगे, किस तरह के मैडिकल दे वार्ड होणगे, ये सारा कुछ जिहड़ा हैगा इंटरनेशनल जिहड़ियां टैक्नीक्स दे नाल लैस होऊगा। इसलिए जिहड़ियां एजेंसी जिहड़ी आ उहदी असीं अज स्थापना कीती आ। इस तों बिना 10 कैदियां दी जिहड़ी रिलीज सीगी, जिन्हां नूं रिलीज़ करना सी, जिन्हां ने अपना सेंटेंस पूरा कर लिया, जिन्हां दी रिमिशन जिहड़ी आ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। 10 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਔਰ 5 ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਕੋਰਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ अपने परिवार के मैंबर जिहड़ा कि मैं समझदा अपनी सिस्टर ते जिहड़ा उहदा पैरामोर सीगा, जिहदे नाल उहदे रिलेशन सीगे, जिहदे नाल उहने भज के विआह करवाउण दी कोशिश कीती सी, उहनां दोनां नूं मारिया सीगा। इस तरह के जिहड़े घिनौने केस सीगे उह अज मानयोग मुख्यमंत्री साहब की रहनुमाई हेठां जो रिजैक्ट किए गए ने, पर लेकिन जिहड़े डिजर्व करदे सी, जिन्हां दी जिन्हां ने अपना सेंटेंस पूरा कर लिया सी और जिन्हां ने अपनी कैद के दौरान अपनी कन्वेंशन के दौरान अपने सेंटेंस के दौरान अपना समा शांतिपूर्वक सुधारवादी लवाया, अपने आदतों ठीक किया, उन्होंने सारे असी रिलीज़ करने का फैसला किया गया। इस तो बिना कुछ एक्ट जोड़े GST कौंसल न संबंधित सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संबंधित सी, जिन्होंने समा रेंदे बिल्कुल पास करना जरूरी सीगा, वह सारे एक्टा असी मंजूरी दी है ताकि आने वाले बजट सैशन के अंदर पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे जान और उन्होंने जोड़ा है समाबद्ध प्रवानगी जी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देनी है ताकि वह एक्ट जोड़े ने गे जिस तरह होरना सूबे के अंदर देश के बख सूबे के अंदर वो सारे एक्ट समय समय के लागू हो रहे हैं, पंजाब भी जोड़ा है उन्होंने समय का हाणी बने और वो एक्ट जोड़े ने गे वो पंजाब लागू होन और पंजाब का रेवेन्यू या सेंटर का रेवेन्यू जोड़ा उन्होंने एक्ट तो आना है ज जड़िया सोधा होनिया ने गिया वो भी समय सिर जड़िया हो सकन वो एक्ट भी जोड़े असी पास किए ने गए। सो मैं हूँ मेरे कैबिनेट कलीग अमनोज रोजन को कुछ इंपोर्टेंट इशू जोड़े इन्हों के डिपार्टमेंट न संबंधित से या दूजे डिपार्टमेंट न संबंधित से वो ब्रीफ कर। बहुत बहुत धन्यवाद चीमा साहब। सब तो पहला तो सारे मीडिया साथियों का बहुत बहुत स्वागत इतने, जिमें कि बड़े विस्तार दे विच मेरे बहुत ही सत्कारयोग साथी वड्डे वीर हरपाल चीमा जी ने विस्तार दे विच गल की है कि किस तरीके दे नाल अज भगवंत मान जी की अगवाई दे विच उन्हां दी कैबिनेट ने कई अहम फैसले ने जिहड़े वो कीते ने, हरपाल जी ने उहदे बारे दस्सिया। तो इस लड़ी दे विच जिस दिन की भगवंत मान जी की अगवाई दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, नौजवानों नू नौकरियां देण दा, उन्हां नू नौकरियां दे मौके देण दा एक बेतहाशा एक सक्सैसफुल एक कंटीन्यूटी दे विच प्रोसैस चल रहा है। तो हुण तक तकरीबन 37,500 तो भी वध नौजवान मुंडे कुड़ियों नू नौकरियां ने जिहड़ियां उह दित्तियां जा चुकियां। अज उसे दी कड़ी दे विच अग्गे वधदे होए 2-3 डिपार्टमेंट्स दे जिहड़े नौकरियां ने उन्हां बारे या डिपार्टमेंटल दी रीस्ट्रक्चरिंग बारे उहदे बारे काम है जिहड़ा उह होया। सब तो पहलां तां सिविल सैक्रटेरीएट जिथे कि पंजाब दे सारे महकमें दे सारी जनता दा काम पंजाब सिविल सैक्रटेरीएट तो हुंदा है, इत्थे 106 नवीं कलर्क दियां पोस्टां ने जिहड़ियां उह उन्हां नूं दुबारा मुड़ के जिन्हां विचों 69 दुबारा सुरजीत किया गया है, 106 नवें कलर्कां दियां पोस्टां ने जिहड़ियां उह क्रिएट करके उन्हां नूं भरन दा फैसला जिहड़ा उह कीता जाएगा इन ड्यू प्रोसैस ऑफ टाइम, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम SS बोर्ड वालों ये काम बड़ी मैरिट के आधार के उपर यह सिरे चाढ़िया जाएगा। इस तरीके दे नाल मेरे अपने डिपार्टमेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जिहड़ा कि एक अहम डिपार्टमेंट है, पर लंबे समय तो पिछले सरकारां दी अणगहली की वजह करके यह अणगौलिया पिया सीगा, इहनू रीस्ट्रक्चरिंग का काम है जिस दिन की साडी सरकार बनी है असी शुरू किया होया सीगा, ते इहदी रीस्ट्रक्चरिंग नूं अज कैबिनेट ने मंजूरी है दित्ती है, जिहदे विच जिहड़ियां तकरीबन क्योंकि समय के नाल नाल जो प्रिंटिंग दा और स्टेशनरी दा काम है वह बड़ा फर्क पै गया, टैक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटर IT आ गए, सो कई कुछ पोस्टां जिहड़ियां अबॉलिश कीतियां गईयां ने, कई पोस्टां नवीं क्रिएट कीतियां गईयां ने, जिहदी वजह करके 440 नवीं पोस्टां नूं जिन्हां विचों कुछ रैगुलर होणगीयां, कुछ आउटसोर्स होणगीयां, कई नई पोस्टां ने क्रिएट कीतियां गईयां, 440 पोस्टां नूं
नवी रीस्ट्रक्चरिंग दे विच सहमति है जिहड़ी अप्रूवल है वह सरकार वालों दिती गई है कैबिनेट वालों। और इहदे नाल ही जो पिछले समय दे विच रूरल डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट वालों एनिमल हस्बेंडरी नूं पशु पालन नूं जो हॉस्पिटल वापस गए सीगे पशु हस्पताल 582 हॉस्पिटल ने जिहड़े वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रांसफर होए सीगे जिहदे विच 481 वेटनरी फार्मासिस्ट ने जिहड़ा उन्हां दी सर्विस नूं उन्हां दी जॉब नूं एक साल की एक्सटेंशन है जिहड़ी वो 1/4/23 तों 31/3/24 तक वो दिती गई है। पिछले दिनों के साथी सानू कैबिनेट सब कमेटी नूं भी मिले सीगे उन्हां नूं भी मंजूरी एक साल की एक्सटेंशन है जिहड़ी वो दिती गई है। सो कुल मिला के इन तिना डिपार्टमेंटा दे विच चाहे नवीं पोस्टा क्रिएट करने की गल कर लिए चाहे नवीं पोस्टा की भर्ती की आप गल कर लिए तो चाहे इन्हों की एक्सटेंशन की गल कर लिए तकरीबन 1000 तो भी वध एम्पलॉइज़ नू या नवीं नौकरियां मिलनगियां नौजवान मुंडे कुड़ियों नू या इन्हों की जी टर्म है वह एक्सटेंड की गई। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि जे पंजाब दे 2.75 करोड़ लोगों नू सर्विस देनी है ते उहदे लई एम्पलॉई और बड़े कॉम्पीटेंट ऑफ जिहड़े एम्पलॉईज ने वह चाहिए ने। लंबे समय वख-वख महकमें दे विच असामियां खाली पई रहिंदी जिहदे करके गवर्नेंस हिट हुंदी सी। सो वह काम जिते पहला 37,500 मुलाजम भर्ती करके वड्डे पद्धर दे उपर पूरा किया जा सकता अज भी इन्हां तिना महकमें दे विच ये अहम फैसले जिहड़े लए गए ने जिहदे नाल मैं समझदा कि इन्हां तिना डिपार्टमेंट्स दी फंक्शनिंग है जिहड़ी वह बहुत ज़्यादा इंप्रूव होएगी जी। देखो कैबिनेट के अंदर कोई भी इस तरह की डिस्कशन नहीं हुई पर लेकिन मैं मानजो गवर्नर साहब न दसना चाहना कि सैशन जो लीगल आ गया सैशन के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट बिल जड़े ने गे वो आने ने गे जिहड़े कि पंजाब सरकार नाल संबंधित ने पंजाब के लोगों नाल संबंधित ने गे पंजाब के लोगों की जीवन रेखा के संबंधित ने गे उन्हां बिलों लैके मैं समझदा गवर्नर साहब न कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए गी उन्होंने अपने जो सलाहकार ने जो लीगल सलाहकार ने वो बदल लेने चाहिए ने। जीवा साहब लेकिन गवर्नर साहब का ये भी कहना है कि पिछला जो सत्र था वो भी इनलीगल था उसमें आप लोगों ने जो बिल पास किया वो उस पर अभी तक गवर्नर का सिग्नेचर नहीं हुआ अब दोबारा आप सेशन लेके आ रहे हैं अगर उस सेशन में भी जो भी कार्रवाई होती है उस पर गवर्नर नहीं साइन करते तो फिर इसको कैसे कानून या बाकी चीज़ों को कार्रवाई कैसे की जाएगी क्योंकि कह रहे सेशन खत्म हो चुका है। देखिए अभी तक ऑनरेबल गवर्नर साहब से कोई भी ऐसा लेटर प्राप्त नहीं हुआ जिससे ये पता लग सके कि पुराना सेशन उन्होंने पुराने जो बिल हैं जो हमारे विधानसभा ने पास करके भेजे हैं उनको मान्यता दी है या नहीं दी उस पर अपनी असेंट दी है या नहीं दी अभी तक कोई भी लेटर जो है हमें प्राप्त नहीं हुआ। पर लेकिन मैं समझता हूँ जो विधानसभा अपना कानून पास करती है जो विधानसभा बनी किसके लिए है विधानसभा इसलिए बनी है कि यहाँ कानून पास करने हैं स्टेट के लिए करने हैं स्टेट के लोगों की वेलफेयर के लिए करने हैं। सो मैं समझता हूँ गवर्नर साहब उसको आज्ञा देंगे और जो आने वाला ये प्रेजेंट सेशन जो आएगा 2021 को उसमें भी जितना भी हमारा काम आएगा जितने बिल आएंगे वो पंजाब के लिए होंगे और देश के लिए होंगे। जब अभी तक नहीं आए जब आएंगे तो उसके ऊपर हमारी जो लीगल टीम किस तरह के मेडिकल दे बाढ़ होंगे ये सारा कुछ जोड़ा है इंटरनेशनल जड़िया टेक्नीक्स के लैस होगा इसलिए जी एजेंसी जी असी अज स्थापना की है। इस तो बिना 10 कैदियों की जी रिलीज़ सी जिन्हों रिलीज़ करना सी जिन्होंने अपना सेंटेंस पूरा कर लिया ज जिन्हों की रिमिशन जी डिपार्टमेंट वालों आई सी जिन्ह के रिजैक्ट केस आए हैं वह भी जरा विचार वटांदरा होया दसा विचों 5 कैदियों की जी पांच कैदियों अच्छ छड़न का असी फैसला किया गा और 5 जड़े हार्ड कोर्स है जिन्होंने हीनियस क्राइम किया गा जिन्होंने रेयरस्ट ऑफ रेयर क्राइम किया गा जिन्होंने सुसायटी के एक हिस्से के अगेंस्ट क्राइम किया गा उन्हों की असी रिजैक्ट की है। जिन्होंने मैं जो उदाहरण की गल करा तो एक कैदी सीगा जिन्होंने अपने परिवार के मैंबर जिहड़ा कि मैं समझदा अपनी सिस्टर तो जिहड़ा उहदा पैरामोर सीगा जिद ना उहदे रिलेशन सीगे जिद ना उहने भज के ब्याह करवाउण दी कोशिश कीती सी उहनां दोनां नूं मारिया सीगा इस तरह दे जिहड़े घिनौने केस सीगे वो अज मानजोग मुख्यमंत्री साहब दी रहनुमाई हेठां जो रिजैक्ट कीते गए ने। पर लेकिन
जिहड़े डिजर्व करदे सी, जिन्हां दी जिन्हां ने अपना सेंटेंस पूरा कर लिया सी और जिन्हां ने अपनी कैद के दौरान अपनी कन्वेंशन के दौरान अपने सेंटेंस के दौरान अपना समा शांतिपूर्वक सुधारवादी लंबाया अपने आदतों को ठीक किया उन्होंने सारे असी रिलीज़ करने का फैसला किया गया। इस तो बिना कुछ एक्ट जिहड़े GST कौंसल नाल संबंधित सी जां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाल संबंधित सी जिन्हां नूं समा रहिंदे बिल्कुल पास करना जरूरी सीगा वो सारे एक्टां नूं असी मंजूरी दित्ती है ताकि आने वाले बजट सैशन के अंदर पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे जाण और उन्हां नूं जिहड़ा हैगा समाबद्ध प्रवानगी जिहड़ी आ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देनी आ ताकि वो एक्ट जिहड़े नेगे जिस तरह होरना सूबियां दे अंदर देश दे वख-वख सूबियां दे अंदर वो सारे एक्ट समय समय दे नाल लागू हो रहे नेगे पंजाब भी जिहड़ा हैगा उन्हां दे समय दा हाणी बने और वो एक्ट जिहड़े नेगे वो पंजाब च लागू होण और पंजाब दा रेवेन्यू जां सेंटर दा रेवेन्यू जिहड़ा उन्हां एक्ट तों आउणा गा जां जिहड़ियां सोधां होणियां नेगियां वो भी समय सिर जिहड़ियां हो सकण वो एक्ट भी जिहड़े असीं पास कीते नेगे। सो मैं हुण मेरे कैबिनेट कलीग मैनूं रोजल को कुछ इंपोर्टेंट इशू जिहड़े इन्हां दे डिपार्टमेंट नाल संबंधित सी जां दूजे डिपार्टमेंट नाल संबंधित सी वो ब्रीफ कर। बहुत बहुत धन्यवाद चीमा साहब। सब तो पहला तो सारे मीडिया साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इत्थे। जिवें कि बड़े विस्तार दे विच मेरे बहुत ही सत्कारयोग साथी वड्डे वीर हरपाल चीमा जी ने विस्तार दे विच गल कीती है कि किस तरीके दे नाल अज भगवंत मान जी की अगवाई दे विच उन्हां दी कैबिनेट ने कई अहम फैसले ने जिहड़े वह कीते ने हरपाल जी ने उहदे बारे दस्सिया। तो इस लड़ी दे विच जिस दिन की भगवंत मान जी की अगवाई दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है नौजवानों नू नौकरियां देन दा उन्हां नू नौकरियां दे मौके देन दा एक बेतहाशा एक सक्सैसफुल एक कंटीन्यूटी दे विच प्रोसैस चल रहा है। तो हुण तक तकरीबन 37,500 तो भी वध नौजवान मुंडे कुड़ियों नू नौकरियां ने जिहड़ियां दित्तियां जा चुकियां। अज उसे दी कड़ी दे विच अग्गे वधदे होए दो तीन डिपार्टमेंट्स दे जिहड़े नौकरियां ने उन्हां बारे या डिपार्टमेंटल दी रीस्ट्रक्चरिंग बारे उहदे बारे काम है जिहड़ा उह होया। सब तो पहला तां सिविल सैक्रटेरिएट जिथे कि पंजाब दे सारे महकमें दे सारी जनता दा काम पंजाब सिविल सैक्रटेरिएट तो हुंदा है इत्थे 106 नवीं कलर्क दीआं पोस्टां ने जिहड़ियां उह उन्हां नूं दुबारा मुड़ के जिन्हां विचों 69 दुबारा सुरजीत किया गया 106 नवें कलर्कां दीआं पोस्टां ने जिहड़ियां उह क्रिएट करके उन्हां नूं भरन दा फैसला जिहड़ा उह कीता जाएगा इन ड्यू प्रोसैस ऑफ टाइम ड्यू कोर्स ऑफ टाइम SS बोर्ड वल्लों ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਣਗੌਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਕੰਪਿਊਟਰ IT ਆ ਗਏ ਸੋ ਕਈ ਕੁਛ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 440 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁਛ ਆਊਟਸੋਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਕਈ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 440 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ 582 ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 481 ਵੈਟਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1/4/23 ਤੋਂ 31/3/24 ਤੱਕ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਥੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਕਰੀਬਨ 1,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਪਲੋਈ ਔਰ ਬੜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 37,500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਠੀਕ, देखो कैबिनेट दे अंदर कोई भी इस तरह की डिस्कशन नहीं हुई, पर लेकिन मैं मानजोग गवर्नर साहब नू दसना चाहना कि सैशन जिहड़ा लीगल आ गया, सैशन दे अंदर बड़े इंपॉर्टेंट बिल जिहड़े नेगे वो आने नेगे जिहड़े कि पंजाब सरकार नाल संबंधित ने, पंजाब दे लोकां नाल संबंधित नेगे, पंजाब दे लोकां दी जीवन रेखा दे नाल संबंधित नेगे। उन्हां बिलां नू लैके मैं समझदा गवर्नर साहब नू कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिंदी गी, उन्हां नू अपने जिहड़े सलाहकार ने जिहड़े लीगल सलाहकार ने वो बदल लेने चाहिए ने। जिमा साहब, लेकिन गवर्नर साहब का ये भी कहना है कि पिछला जो सत्र था वो भी इनलीगल था, उसमें आप लोगों ने जो बिल पास किया वो उस पर अभी तक गवर्नर का सिग्नेचर नहीं हुआ, अब दोबारा आप सेशन लेके आ रहे हैं, अगर उस सेशन में भी जो भी कार्रवाई होती है उस पर गवर्नर नहीं साइन करते तो फिर इसको कैसे कानून या बाकी चीज़ों को कार्रवाई कैसे की जाएगी? क्योंकि कह रहे सेशन खत्म हो चुका है, आपको नया सेशन के लिए। देखिए, अभी तक ऑनरेबल गवर्नर साहब से कोई भी ऐसा लेटर प्राप्त नहीं हुआ जिससे ये पता लग सके कि पुराना सेशन उन्होंने, पुराने जो बिल हैं जो हमारे विधानसभा ने पास करके भेजे हैं उनको मान्यता दी है या नहीं दी, उस पर अपनी असेंट दी है या नहीं दी, अभी तक कोई भी लेटर जो है हमें प्राप्त नहीं हुआ। पर लेकिन मैं समझता हूँ जो विधानसभा अपना कानून पास करती है, जो विधानसभा बनी किसके लिए है, विधानसभा इसलिए बनी है कि यहाँ कानून पास करने हैं, स्टेट के लिए करने हैं, स्टेट के लोगों की वेलफेयर के लिए करने हैं। सो मैं समझता हूँ गवर्नर साहब उसको आज्ञा देंगे, और जो आने वाला ये प्रेजेंट सेशन जो आएगा 2021 को, उसमें भी जितना भी हमारा काम आएगा, जितने बिल आएंगे वो पंजाब के लिए होंगे और देश के लिए होंगे। जब अभी तक नहीं आए, जब आएंगे तो उसके ऊपर हमारी जो लीगल टीम